नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। कवि कुमार विश्वास ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मंच पर खड़े होकर कविता पाठ कर रहे हैं और इस दौरान लगातार बारिश होती भी दिखाई दे रही है। कई लोग कुमार विश्वास के अगल बगल छाता लेकर खड़े और बड़ी संख्या में लोग भी कुमार विश्वास को सुनने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कविता पाठ को बारिश में भींग कर सुनते रहे। कुमार विश्वास ने उनकी जमकर तारीफ भी की है। जम्मू संभाग के पुंछ में हुए आतंकी हमले में जहां प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की शैडो संगठन PAFF ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वही इस संगठन द्वारा जारी पोस्टर में एक हथियार को भी दिखाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस हथियार का नाम हेकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल है। इसको नाटो और US की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देने में करती नजर आई है। यहां तक कि इस हथियार का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भी सील टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मई महीने के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला। शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका ने कहा है कि इस समय क्वाड में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष 24 जून को ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होने वाले हैं। हिंद महासागर में खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तानी तेजी से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, तो वही चीन ने बड़ी संख्या में अपने जहाजों को हिंद महासागर में तैनात किया है। हालांकि भारत ताजा स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है। गॉडफादर ऑफ AI कहे जाने वाले हिंटन ने सोमवार को गूगल छोड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जिस तकनीक को विकसित करने में मदद की उसके खतरों को लेकर आगाह करते हुए उन्होंने पिछले सप्ताह गूगल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को रणबीर सिंह पुरा के चकरोई में पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी परिवारों के लिए विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विशेष शासन शिविर का उद्देश्य विस्थापित परिवारों के पात्र उम्मीदवारों पर ध्यान देने के साथ शिकायतों को हल करना, लंबित मामलों का सत्यापन, विभिन्न कल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूकता और रोजगार उपलब्ध कराना है। दिल्ली में सियासी दलों के बीच शराब घोटाले सहित कई मसलों पर सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी BJP सहित अन्य दलों के बीच सियासी घमासान चरण पर है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले को दबाने के लिए साजिश के तहत कथित तौर पर ईमेल प्लांट किए थे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऐसा मनीष सिसोदिया ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के मकसद से किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें अक्टूबर नवंबर माह में इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट में पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से जोशीमठ में राहत कार्य किए जा रहे हैं, वहां स्थिति सामान्य है। प्रधानमंत्री के जोशीमठ को लेकर केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने वाला एक यंत्र तैयार किया है। इस यंत्र को ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफोरम ड्राइवर्ड नाम दिया गया है और अब यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बता दें कि यह शोध प्रसिद्ध जनरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी प्रकाशित हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 150 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम हवा से गिराए जाने वाले एक कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कंटेनर को IL-38SG विमान से गिराया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कंटेनर का प्रारंभिक परीक्षण 27 अप्रैल को गोवा के तट पर किया गया है। बयान के मुताबिक नौसेना की रसद परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परीक्षण किया गया। इसका मकसद तट से 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात जहाजों को तत्काल जरूरी इंजीनियरिंग सामग्री प्रदान करना है। इससे जहाजों के लिए पुर्जे और अन्य सामान एकत्र करने के लिए तट के करीब आने की जरूरत कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और इस प्रकार से यह केंद्र शासित प्रदेश देश में पर्यटन के लिहाज से पसंदीदा स्थलों में शामिल हो रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव आबिद राशिद शाह ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा पर्यटक आए हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी देशी और विदेशी पर्यटक जम्मू कश्मीर की सुगंध यादें लेकर जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन पर बैठी महिला पहलवानों को कई नेता और खिलाड़ियों का सपोर्ट मिल रहा है। वही एक पक्ष इस प्रदर्शन को राजनीति बताकर खारिज कर दे रहा है। कुछ ऐसे भी है जो विरोध में हर बार की तरह ट्रोल बने बैठे हैं। ये लोग प्रदर्शन का विरोध करते हुए मियां खलीफा को बीच में ले आए। ट्विटर पर मियां खलीफा ट्रेंड कर रही है। खलीफा का नाम लिखकर कई लोग भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस महीने बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, लेकिन इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया है।
पहले गांधी मैदान नहीं देने पर सरकार को ट्रॉल किया गया, फिर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। सत्तारूढ़ राजद के मंत्री तक मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। सोमवार को शास्त्री के पक्ष में राजधानी के मुख्य सड़कों पर पोस्टरबाजी हुई तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर करने की भी खबर सामने आई है। गेहूं खरीद को लेकर भारतीय खाद्य निगम खासी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ जहां पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तेजी के चलते अब तक 223 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा इस समय 161 मीट्रिक टन था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सरीखे राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद में सुस्ती बनी हुई है। केंद्र ने 500 नए केंद्र खोलकर बिक्री में तेजी लाने को कहा है। इस साल सरकारी खरीद के माध्यम से केंद्र ने 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। जहां खरीद सुस्त है वहां एफसीआई तेजी लाने के उपायों में जुटी हुई है, इसलिए निगम ने राज्य सरकारों से कहा है कि खरीद केंद्र बढ़ाए। भारत को हर साल हजारों बच्चे विदेश जाकर पढ़ते हैं, ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फॉर्मेशमेंट में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत ने पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा छात्रों को अमेरिका भेजा है। वही रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2021 की तुलना में 2022 में कम छात्रों को भेजा, जबकि भारत ने 64,300 को भेजा है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण 12 दिनों तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। वही ट्रेन संख्या आसनसोल वाराणसी आसनसोल में म्यूक एक्सप्रेस पावर ब्लॉक के दिनों में रद्द रहेंगी। स्पीड बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछाने में भारतीय रेलवे के इंजीनियर महारत दिखाएंगे। इसके लिए जापानी विशेषज्ञ हाई स्पीड रेलवे ट्रैक प्रणाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। दरअसल भारत में पहली बार गिट्टी रहित ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर बुलेट ट्रेन हवा से बातें करेंगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 1000 इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड रेल में उपयोग किए जाने वाले गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक सिस्टम का उपयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा है कि विकासशील देशों, खासकर छोटे और मध्यम देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उसने भारत और अन्य देशों के इस अपील पर सीधे प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है कि विश्व निकाय के शीर्ष इकाई का विस्तार किया जाना चाहिए और इसमें उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। विराट कोहली और गौतम गंभीर की प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। आईपीएल 2013 में बीच मैदान पर दोनों खिलाड़ियों की भिड़ंत हो गई थी, उसके बाद से उनके बीच कुछ न कुछ होता रहा है। अब 10 साल बाद आईपीएल 2023 में एक बार फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत हो गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुए मुकाबले के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में तीखी बहस देखने को मिली। अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने फिर से भारत को चुभने वाली बात कही है। अमेरिका के वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाओं में इजाफा हुआ है। अमेरिकी आयोग ने धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को ब्लैकलिस्ट करने की भी सिफारिश बाइडेन प्रशासन से की है। इसे लेकर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। पहले भी इस पैनल की ओर से भारत के खिलाफ सिफारिशें की जाती रही है, लेकिन अमेरिका का विदेश मंत्रालय उसकी रिपोर्ट को खारिज करता रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कई अकाउंट्स को बैन किया। प्लेटफॉर्म की ओर से मार्च महीने की यूजर सेफ्टी रिपोर्ट आ गई है। इसमें मार्च महीने में बैन किए गए व्हाट्सएप अकाउंट्स, यूजर्स की शिकायत पर कार्रवाई और दूसरी जानकारियां शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने मार्च महीने में 47 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है। ये संख्या फरवरी के मुकाबले ज्यादा है। इससे पहले फरवरी महीने में 45 लाख, जनवरी में 29 लाख और पिछले साल दिसंबर में 37 लाख अकाउंट्स को बैन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से की है और कहा है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे इसे बैन करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्य भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की 5 गारंटी दोहराई है। बता दें कि सोमवार को भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कई जनकल्याण योजनाओं के साथ साथ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कही गई है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों के नतीजे 2019 जैसे ही होंगे। यहां एक संत के आश्रम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में रनौत ने कहा, सारे देश में 2024 को लेकर काफी उत्सुकता है। एक अन्य सवाल के जवाब में रनौत ने समलैंगिक विवाह को दिल का रिश्ता बताते हुए उसका समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि विवाह दिल का रिश्ता होता है और जब लोगों के दिल मिल जाते हैं और उनकी वरीयता होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। रूस से चल रहे महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी ओछी हरकत के लिए भारत से माफी मांगी है। मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने को लेकर यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन जापरोवा ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अफसोस जताया और कहा है कि यूक्रेन और उसके लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ संकल्पित बताया है।
अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटवाने के लिए एक सिंगल मदर ने हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सिंगल मदर के पक्ष में फैसला करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पासपोर्ट अधिकारियों को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से यह कहा कि बच्चे को उसके पिता ने उसके जन्म से पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे को उसने अकेले ही पाला है। चोल साम्राज्य के इतिहास को निर्देशक मनी रत्नम ने कुछ इस कदर पर्दे पर उतारा कि फैंस इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थके। ऐश्वर्या राय और चियाम विक्रम स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। ओरिजिनली तमिल भाषा में बनी पोन्नियम सेल्वन 2 के थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे लोगों को तालियां बजाने को मजबूर किया। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी हर दिन के साथ ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, अनवर करीम खान, एमडी साकिर हुसैन, अंशु प्रिया, नौशाद आलम, संजय चौधरी और कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके यातायात का पसंदीदा साधन कौन सा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।